आज तक आप सुनते आए होंगे कि अगर आपको रातों रात कोई चमत्कार देखना है तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें और सुबह तक आपकी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्पेशल वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेकर आया हूं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और इस वाटर टेक्निक से आपके 10 साल का लक्ष्य केवल 6 महीने में पूरा हो सकता है। आपको पता है कि पानी में इमोशंस होते हैं, पानी में मेमोरी होती है, और जो भी शब्द आप पानी पीने से पहले बोलते हैं बिल्कुल वही आपकी रियलिटी बन सकती है। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारी बॉडी का 75% हिस्सा पानी से बना है, और जब आप अपने शब्दों के द्वारा अपने पीने वाले पानी को चार्ज करते हैं तब उस पानी को पीने के बाद वो पानी आपका ही एक हिस्सा बन जाता है और आप अपनी बॉडी की एनर्जी को उस डिजायर्ड रियलिटी के साथ अलाइनमेंट में लाते हैं जैसे जिंदगी आप जीना चाहते हैं। इसे इस तरह से समझें जैसे कि आपकी बॉडी एक एंटीना की तरह है जो वाइब्रेशंस के रूप में कुछ इन्फॉर्मेशन लगातार भेजता और रिसीव करता रहता है, और जब आप अपनी बॉडी को सही वाइब्रेशन से भर देते हैं तब अपने आप आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो चलिए जानते हैं इस मैजिकल वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। सबसे पहले स्टेप में आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि अगले 6 महीने में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। किसी ऐसे लक्ष्य का चुनाव करें जिस पर आपको यकीन है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं, और उस इच्छा को प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में एक डायरी में लिखें। उसे इस तरीके से लिखें जैसे कि आपने उसे हासिल कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव अचीव द गोल ऑफ अर्निंग 10 लाख रुपीज अ मंथ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक महीने में 10 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर XYZ कंपनी। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मुझे XYZ कंपनी के लिए चुन लिया गया है। इसके बाद आपको अपने एफर्मेशंस को 1 से 10 के बीच रेटिंग देनी है, जिसमें 1 सबसे कम और 10 सबसे ज्यादा है कि आप अपनी इच्छा को लेकर कितने उत्साहित हैं और आपको खुद पर कितना विश्वास है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो सकती है। जो भी एफर्मेशन आपने लिखा है विश्वास और उत्साह के आधार पर उस इच्छा की रेटिंग 9 या 10 होनी चाहिए। अगर आपको अपने एफर्मेशन पर विश्वास नहीं है और आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उत्साहित नहीं है तो आपको अपनी इच्छा पर काम करने की आवश्यकता है जब तक 9 या 10 की रेटिंग नहीं आ जाती। दूसरे स्टेप में आपको एक आईने के सामने खड़े होना है और अपने हाथ में पानी का गिलास रखते हुए अपने एफर्मेशंस को अपनी आंखों में देखते हुए कम से कम 5 बार जोर से बोलना है, या आप चाहें तो 20 बार भी बोल सकते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी है या मैंने इस इच्छा को हासिल कर लिया है। इसके बाद आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और अपनी इच्छा पूरी होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ में अपनाने से आपकी विजुअलाइजेशन रियलिटी में बदलने लगती है। ये टेक्निक बहुत ही कारगर तरीके से काम करती है। इसका पहला कारण ये है कि जब आप अपनी इंटेंशन आईने के सामने बार बार बोलते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है और आपकी बातों पर विश्वास करने लगता है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो चुकी है और आप उसी तरह के इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब आप अपने हाथों में पानी का गिलास रखकर अपनी इच्छा के बारे में बोलते हैं तब एक तरह से आप अपने इमोशंस उस पानी में डाल रहे हैं, और पानी में मेमोरी होती है तो आपके इमोशंस उस पानी में समा जाते हैं। अपने विचारों की शक्ति से आप उस पानी को एनर्जी देकर चार्ज कर रहे हैं जिससे आपकी इच्छा और भी ज़्यादा तेजी से मैनिफेस्ट होने लगती है। आप चाहें तो अपनी इच्छा को एक कागज में लिखकर अपने पानी के गिलास में चिपका सकते हैं, या फिर ऐसे ही अपनी इच्छा के बारे में बोल सकते हैं। आप चाहें तो गिलास की जगह किसी भी तरह की पानी की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में आपको उस पानी को पीना है, और एक एक घूंट करके पानी पीते हुए आपको अपनी इच्छा पूरी होने के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना है और ब्रह्मांड का धन्यवाद महसूस करना है। इसके बाद चौथे स्टेप में अपने लक्ष्य पर काम करते हुए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, हर दिन सुबह उठने के बाद आपको अपनी बोतल को साफ पानी से भरना है और उस पानी को चार्ज करके दिन भर उसी पानी को पीना है। ध्यान रहे कि कोई और व्यक्ति आपकी बोतल से पानी ना पिए, और दिन भर में जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी पानी की बोतल खत्म हो रही है तब आप उस चार्ज पानी में और पानी डालकर पी सकते हैं।
दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और उन्हें एक डायरी में लिखते जाना है कि आज आपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या काम किया है। अपने लक्ष्य पर काम करते हुए हर दिन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना है जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है, और सही समय पर सही एक्शन लेना है ताकि आपके 10 साल का लक्ष्य केवल 6 महीने में पूरा हो सके। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट में लिखें आई कमिट, ताकि बाकी लोगों को भी आपकी कमिटमेंट का पता चले। और जब आप लिखते हैं तब आप खुद से भी कमिटमेंट करते हैं कि आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे। अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ईबुक एफर्मेशंस कैसे लिखें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। अपनी ईबुक में मैंने 40 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस टेम्पलेट्स दिए हैं। 4 तरह के एफर्मेशंस बनाना सिखाया है, एफर्मेशंस लिखने के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बताए हैं, और किसी भी एफर्मेशन में कौन से 3 एलिमेंट होने ही चाहिए ये भी बताया है। हमारी YouTube फैमिली के लिए इसकी कीमत केवल 99 रुपीज़ रखी गई है। वीडियो को रोककर आप हमारी ईबुक के फीडबैक पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।